हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ ज्योति और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ आई रिमूव माय मेकअप विद कोकोनट ऑयल। सो मैं शादी से घर वापस आ गई हूँ। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं एक वेडिंग पार्टी, वेडिंग रिसेप्शन से आ रही हूँ घर, एंड जो मैंने आपके साथ इसका मेकअप, आई मेकअप भी आपके साथ शेयर किया था कि मैंने अपना आई मेकअप कैसे अप्लाई किया है, कैसे मैंने ये गोल्डन शिमरी सा लुक क्रिएट किया है, तो मैंने आपके साथ ये शेयर पहले ही कर लिया है। सो अब मैं घर आ चुकी हूँ, तो मैं आपके साथ अपना मेकअप रिमूव कैसे करूँगी कोकोनट ऑयल के साथ। सो वेडिंग रिसेप्शन से आने के बाद मेरा लुक, मेरा फेस वैसा का वैसा ही है एंड मेरा आई मेकअप भी वैसा ही है। मैंने बहुत डांस किया एंड स्वेटिंग भी मुझे बहुत हुई है। सो ज़्यादा कुछ फेस में मुझे फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है कि फेस थोड़ा स्पॉयल हुआ है या नहीं, बट लिपस्टिक थोड़ी मुझे कम लगी क्योंकि मैंने खाना भी खाया है। तो वीडियो में बढ़ने से पहले मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो यहाँ पर रेड कलर का एक बटन होगा उसको आपको प्रेस करना है। जैसे ही आप उसे प्रेस करेंगे उसके साथ एक बेल आइकन आएगा जिसे आपको, जो घंटी की तरह दिखेगा, एंड उसको भी आपको प्रेस करना है। इससे आप मेरी हर वीडियो से नोटिफाई होते रहेंगे एंड जो भी मैं वीडियो डालूंगी उसकी आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी और आप सबसे पहले मेरी वीडियोस देख पाएंगे। एंड वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी देना एंड शेयर भी कर देना भर भर के। एंड चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया है कि मैं कोकोनट ऑयल से मेकअप रिमूव करूंगी। सो इसके लिए हमें कोकोनट ऑयल चाहिए, जो मेरे पास है पैराशूट का कोकोनट ऑयल, एंड इसको मैं करूंगी एक टिश्यू पेपर की हेल्प से रिमूव। सो देखिए मैं कैसे करती हूँ। सबसे पहले मैं इसकी कुछ ड्रॉप्स अपने हाथ में लूंगी ऐसे, एंड इसे अपने फेस पे स्प्रेड करूंगी। मैंने कोकोनट ऑयल से पहले भी मेकअप रिमूव किया है तो मैं करती हूँ, मतलब कोकोनट ऑयल मैं आज पहली बार नहीं कर रही हूँ, मैंने पहले भी कोकोनट ऑयल से मेकअप रिमूव किया हुआ है और इससे हो जाता है मेकअप रिमूव, और ज़्यादा मैंने मेकअप लगाया भी नहीं। अभी आपको दिख जाएगा कि मैंने कितना अमाउंट मेकअप लगाया है। सो अभी आपको हमें ऐसे ज़्यादा हार्डली बिल्कुल नहीं करना है, जहाँ यहाँ पूरे फेस पे मैं इसे ऐसे क्लीन करूँगी एंड फोरहेड पे भी। तो ये हो चुका है एंड मेरा मेकअप था इतना, तो इतना अमाउंट मैंने मेकअप यूज़ किया था, ज़्यादा नहीं है, बट अभी मेकअप रिमूव हो चुका है मेरा, ज़्यादा नहीं है। एंड अब मुझे थोड़ा सा और मैं अपने पाम में कुछ ड्रॉप्स लूँगी कोकोनट ऑयल की एंड इसे मैं अपने आईज़ पे अप्लाई करूँगी। मैं ऐसे करती हूँ नॉर्मली, मैं जब भी करती हूँ तो मैं इसको अपनी आई के ऊपर रखती हूँ, जिससे वो जितना भी मेरा आई मेकअप है वो थोड़ा लूज पड़ने लग जाए। एंड फिर मैं इसके ऊपर इसे रखती हूँ, टिश्यू पेपर को मैं इसके ऊपर रखती हूँ, कुछ सेकंड्स रखती हूँ ताकि वो थोड़ा लूज पड़ जाए। एंड रखने के बाद इसे धीरे धीरे स्लाइटली ऐसे रिमूव करती हूँ। सो मैंने लाइनर, आई शेडो, काफ़ी चीज़ें यूज़ की है, तो आप मेरी वीडियो देख चुके होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये आई मेकअप कैसे क्रिएट किया था। सो ये निकल चुका है, आप देख सकते हैं निकल चुका है। अब मेरी आई बिल्कुल क्लीन हो चुकी है एंड सेम प्रोसेस हम इस वाली आई में भी अप्लाई करेंगे। अभी टाइम हो रहा है 12 बजने वाले हैं एंड अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग घर आए हैं शादी से, एंड इसके ऊपर भी सेम कुछ सेकंड्स रखने हैं हमें टिश्यू पेपर को। बेसिकली मैं कोकोनट ऑयल के साथ ही टिश्यू पेपर से ही रिमूव कर देती हूँ
कुछ सेकंड्स रखने के बाद इसे स्लाइटली हटाना है। ये मेरे गोल्डन शिमर निकल गया, मेरा पूरा आई मेकअप अब हट चुका है। तो ये है मेरा आई मेकअप, फोकस नहीं ले रहा है, अभी लेगा। तो मेरा आई मेकअप रिमूव हो चुका है, फेस मेकअप रिमूव हो चुका है, एंड अब बारी है मेरे लिपस्टिक की। तो हम अभी लिपस्टिक को भी रिमूव करेंगे। तो लिपस्टिक के लिए भी सेम चीज करेंगे, कुछ ड्रॉप्स अपने हाथों में लेंगे एंड लिप्स पे अप्लाई करेंगे। बेसिकली आप टिश्यू में भी कुछ ड्रॉप्स डाल के डायरेक्टली उसे रिमूव कर सकते हैं। एक सेकेंड, कहाँ गया? डायरेक्टली टिश्यू को थोड़ा सा कोकोनट ऑयल की ड्रॉप्स डाल के उसे रिमूव कर सकते हैं, बट मैं ऐसे ही करती हूँ। बट मैं डायरेक्टली लिप्स पे कोकोनट ऑयल की कुछ ड्रॉप्स डालती हूँ एंड उसे रिमूव करती हूँ। बहुत इजीली ये निकल रही है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मैं कोकोनट ऑयल से ही पहले कर चुकी हूँ रिमूव अपना मेकअप। तो ये इजीली मेरा फेस मेकअप, आई मेकअप एंड लिपस्टिक पूरे निकल चुकी है, पूरा रिमूव हो चुका है। एंड मैं अब अपना फेस वॉश करूंगी एंड उसके बाद। सो ये थी मेरी मेकअप रिमूव करने की वीडियो, कि कैसे मैं अपना कोकोनट ऑयल के साथ मेकअप रिमूव करती हूँ। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे, एंड वीडियो हेल्पफुल रहे, अच्छी लगे तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो यहाँ पर रेड कलर का बटन है उसको आपको प्रेस करना है। एंड बाकी की चीज़ें मैं आपको शुरू में ही बोल चुकी हूँ, इन सब प्रोसेस में आपका एक भी पैसा नहीं जाएगा, ना मेरी जेब में एक भी पैसा आएगा। ये पूरा का पूरा फ्री है। लाइक करना, सब्सक्राइब करना। सो टिल देन, बाय बाय।